हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। साल 2023 में स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में वो कौन सी पांच घटनाएं हैं जो होकर ही रहेंगी भाई, जिसे कोई रोक नहीं सकता, तो वो देखने के लिए ये रीडिंग आज बना रहे हैं। बहुत ही यूनिक और स्पेशल टॉपिक है, सभी राशियों के लिए मैं बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी पहल पसंद आएगी। पसंद आ रही है तो लाइक जल्दी से चिपका देना, ठीक है। सो अगर आप लोगों को अपनी राशि नहीं पता, सनशाइन नहीं पता, मूनशाइन नहीं पता और नाम आधारित देखना है या डेट ऑफ बर्थ आपको कन्फ्यूजन है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मैंने डिटेल्स डाल दी हैं उसमें, आप अपने राशि चेक करके उस हिसाब से सुन सकते हैं, ठीक है। अगर इस राशि को किस बेसिस पे देखना चाहिए सवाल है, तो सन मून राइजिंग असेंडेंट लग्न चंद्र मून जैसे चाहे आप देख सकते हैं, आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है, ठीक है। सो चले शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। वृश्चिक राशि वालों के लिए पांच वो कौन सी घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी साल 2023 में। अब कुछ बुरा भी हो सकता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, जजमेंट, दी डेविल। दी डेविल की एनर्जी को क्लारिफाई करें प्लीज। अच्छा दो आए हैं, एक मिनट, ये क्या आया है? फाइव ऑफ कप्स, मैजिशियन। ओके, स्कॉर्पियो राशि वालों, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट घटना ये है कि इस साल आप इमोशनल बहुत रहेंगे। इमोशंस तो आपके बहुत ज़्यादा परवान चढ़ते नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा लव आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। प्यार परिवार से हो या किसी व्यक्ति से, ये आपके लिए बहुत महत्व रखता हुआ नज़र आएगा। इस साल आप जो है लॉयल्टी ऑनेस्टी को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते नज़र आएंगे। लोगों को परखेंगे कौन कितना पानी में, कौन सच्चा कौन झूठा, इस तरीके की एनर्जी रहेगी। इस साल आप थोड़े से डिप्रेस्ड भी नज़र आएंगे, क्योंकि आप अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेक्ट करेंगे और वो व्यक्ति टाइम नहीं दे पाएंगे, जिससे आप थोड़े से इमोशनल होते हुए, इमोशनल फील करते हुए नज़र आएंगे। बिजनेस से थोड़ा सा, बिजनेस या जॉब से फोकस डगमगाता नज़र आएगा, फोकस वगैरह जो है थोड़ा सा मिसिंग रहेगा, वो आपके अगेन इमोशंस के वजह से होगा। इमोशनली अगर खुद को संभाल सके तो ये साल बहुत बेहतरीन है। इस साल आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने इर्द गिर्द रखना पसंद करेंगे जो आपके साथ सच्चे हैं, जो आपके सामने झूठी तारीफ करते हैं, जो मुंह बोले मीठा मीठा बोलकर आपको पटाते हैं, आप उनको ज़रा सा भी घास देते हुए या भाव देते हुए नज़र नहीं आएंगे। आपके अंदर बहुत सारे बदलाव इस साल देखे जाएंगे, चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप में ज़्यादा बैठना पसंद करेंगे, अकेले स्वयं के साथ समय ज़्यादा बिताएंगे, खुद को ज़्यादा टाइम देते नज़र आएंगे, खुद के साथ ज़्यादा बैठना, एकांत में या शांत बैठना पसंद करेंगे। साल की दूसरी घटना है, कि जीवन में आप कोई ऐसा काम करेंगे जो काम बहुत समय से सिर्फ आपकी सोच में था। कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, अगर बहुत समय से आपका कोई काम अटका हुआ है तो वो अचानक से शुरू हो सकता है। लेकिन अगर बहुत समय से कोई माइंड में प्लान चल रहा था कि यार ये काम मुझे कैसे भी करना है, एक दिन करूँगा या एक दिन करूँगी, तो इस साल फाइनली आप वो स्टेप लेंगे और फाइनली वो काम करेंगे। अब इसमें किसी व्यक्ति को अगर आप मैसेज करने के बारे में बहुत सालों से सोच रहे हैं या बहुत समय से सोच रहे हैं कि यार मुझे उसे मैसेज करना चाहिए, तो ये पहल भी आप इस साल करते नज़र आएंगे। इस साल आप कोई ऐसा स्टेप लेंगे जिसके बारे में आप बहुत समय से सिर्फ सोच रहे थे पर कर नहीं रहे थे। इस साल आप अचानक से कोई निवेश कर सकते हैं, अचानक से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सडनली सिर्फ वो स्टेप लेंगे जो सिर्फ आपकी सोच में था बहुत लंबे समय से। इस साल आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा नए नए बदलाव और चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा, इमोशंस को वैल्यू देंगे, पैसों से ज़्यादा आपका ध्यान इमोशंस में होगा, पर यस, कोई नए काम की शुरुआत ज़रूर होगी।
इस साल आप पार्टी या गेट टुगेदर, ये तीसरी घटना है, कोई पार्टी या गेट टुगेदर या सेलिब्रेशन भी अटेंड करते नजर आ रहे हैं। अचानक से या तो शादी फिक्स हो सकती है, सगाई हो सकती है, या फैमिली की कोई बहुत बड़ी गेट टुगेदर हो सकती है, किसी तरीके की सेलिब्रेशन जैसे कि कोई प्रमोशन हो सकती है। अचानक से जुलाई से सितंबर के बीच में अचानक से आप कोई चीज़ सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं और इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, खूब खर्चा भी करेंगे, खूब खर्चा करते नज़र आएंगे इस साल आप। इस गेट टुगेदर में, पार्टी में जो होंगे फैमिली के मेंबर्स और आपके दोस्त सभी लोग मौजूद होंगे और सभी आपको बधाइयाँ देते नज़र आ रहे हैं, तो यस डेफिनेटली कोई मिरेकल इस साल ज़रूर होगा। इस साल कोई ऐसी चीज़ जो बहुत समय से अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, वो पूरी होगी। और जैसे कि मैंने कहा, सिंगल है तो शादी फिक्स हो सकती है, और अगर शादी के लिए बहुत प्रॉब्लम चल रही थी तो शादी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बेबी की प्रॉब्लम अगर सोच रहे हैं, बेबी नहीं हो रहा है तो बेबी हो सकता है। इस साल आपको बेसिकली कोई खुशखबरी मिल सकती है जिसे आप लोगों के बीच सेलिब्रेट करते नजर आएंगे। चौथी घटना, इस साल आप सब कुछ भगवान पर छोड़ते ज़्यादा नजर आएंगे। नया जन्म होगा आपका। कल तक अपने अंदर का जो जोश, मेहनत, सब कुछ किया हर चीज़ में, लेकिन हमेशा प्रैक्टिकल रहे, लेकिन इस साल सब कुछ भगवान की मर्ज़ी पर, जो होगा भगवान देखेगा, भगवान की मर्ज़ी से होगा, सब कुछ ईश्वर के तरफ छोड़ते नजर आएंगे। इस साल आप नेचर लवर भी बहुत बनेंगे, आप नेचर बहुत पसंद करेंगे, पेड़ पौधे, हरियाली वाली जगहें, स्पिरिचुअल प्लेसेस, पीसफुल प्लेसेस आपको ज़्यादा पसंद आएंगी। एकांत में बैठना, अकेले बैठना, अपने आप में मंथन करना, सोच विचार करना ज़्यादा पसंद करेंगे। डॉग्स, पेट्स, मंकीज, ऐसे लोगों, ऐसी ऐसी चीज़ों के बीच में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, एनजीओस में ज़्यादा होंगे। इस साल आप अपने अंदर एक अलग ही लेवल का परिवर्तन देखेंगे और इसे हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कहते हैं। काफ़ी कुछ बदलता नज़र आएगा आपको आपके अंदर। पांचवी वो घटना जो होकर ही रहेगी इस साल, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी कि या तो आपके कुछ कंपटीटर्स हैं जो आपको गिराने की या आपके पीठ पीछे कोई उल्टा सीधा काम करने की कोशिश करेंगे, कोई लीगल मैटर पे आप आ सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर सकते हैं, स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इशू बढ़ सकता है जिससे आप परेशान हो सकते हैं, या आप खुद पार्टनर के लिए इनसिक्योर फील कर सकते हैं और उनके साथ बिताए हुए कल के पलों को, पुराने पलों को याद करते हुए नज़र आएंगे। आपके अंदर एक अजीब सी रेस्टलेसनेस और बेचैनी देखी जाएगी इस साल। इस साल थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन को लेकर या स्पेशली पार्टनर के बदलते व्यवहार को देखकर आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। पार्टनर के प्रति प्यार बहुत रहेगा, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के वजह से, हो सकता है कि पार्टनर की कहीं अचानक से बात पक्की हो जाए जिससे आप परेशान हो जाए। और अगर बिजनेस या जॉब में कहें तो इस साल कोई व्यक्ति आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, नज़र बहुत लग रही है, चांसेस हैं आपको कोई ले डूबने की कोशिश करेगा। हालांकि कोई सक्षम होता हुआ या जीतता हुआ आपसे नज़र नहीं आ रहा, अनटिल और अनलेस आपका आपके गुस्से पे काबू है, तो अगर आपका अपने आप पे कंट्रोल है तो कोई आपको नहीं गिरा सकता चाहे कुछ भी हो जाए। इस साल आप मेंटल स्ट्रेस ज़रूर फील करेंगे, लेकिन ये मेंटल एन्जाइटी या टेंशन सिर्फ तब कम होगा जब आप एकांत में ज़्यादा बैठना पसंद करेंगे, पुरानी बातों के बारे में सोच विचार करना बंद करेंगे। इस साल आप जो है कुछ चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं अगर चाहें तो, बट इस साल आप कोई ज़्यादा मुझे एफर्ट डालते हुए, एक्शंस डालते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस साल आप एक जगह बैठे रहेंगे, थोड़े से लेज़ी रहेंगे, आप सोच विचार ज़्यादा करेंगे, हो सकता है पूजा पाठ भी बहुत करेंगे। इस साल आप अपने आप में ज़्यादा रहेंगे, पैसों की चिंताएं थोड़ी कम ही रहेगी आपको, पैसों को लेकर आप टेंशन नहीं लेंगे, पैसे आपके लिए इस साल बिल्कुल महत्व नहीं रखेंगे। इस साल जो महत्व रखेगा वो सिर्फ और सिर्फ दिल, इमोशन, प्यार, यही चीज़ें होंगी। आप इस साल अपनों का साथ मांगेंगे, अपने लोगों का साथ मांगेंगे और चांसेस है किसी एक्स वाई जेड को मिस करते नजर आएंगे। इस साल आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे।
ओवरऑल अगर गाइडेंस में मैं देखूं तो इस साल कोई नई शुरुआत आप करने वाले हैं, अगर वो नई शुरुआत को लेकर आप अभी तक संकोच में हैं तो संकोच में ना रहें, उस शुरुआत को कर लें, क्योंकि उस न्यू बिगनिंग से आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। और ये न्यू बिगनिंग आपके कोई रिश्ते में नई शुरुआत हो सकती है, ये न्यू बिगनिंग ऐसा हो सकता है कि आपको कोई मैसेज की पहल करनी है जो आप नहीं कर रहे हैं तो वो मैसेज की पहल कर दें, अगर आपको कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो वो स्टार्टअप कर दे, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है बहुत समय से इस साल आप उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, सो स्कॉर्पियो राशि वालों ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो पे आपको सारी डिटेल्स बाकी की मिल जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।